इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ पाई स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ माइनस पाई स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। देन ये चार ऑप्शन है, बताना है क्या होगा। देखो सबसे पहले हम पाई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करके कोशिश करते हैं कितना वैल्यू आता है अप्रोक्स। तो पाई का वैल्यू 3.14 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3.1 × 3.1 ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अप्रोक्स वैल्यू मिलेगा हम लोग को, तो 1 3 3 9 9 9.61। ठीक है, तो पाई स्क्वायर का अप्रोक्स वैल्यू 9.61 हो गया। तो पाई स्क्वायर का अगर हम लोग बॉक्स करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो ये हो जाएगा 9, और माइनस पाई स्क्वायर का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा -9 मतलब -10, ये होगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ये कितना आ जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा साइन ऑफ तो 9 पाई और प्लस साइन ऑफ -10x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन ऑफ 9x माइनस, और ये होगा साइन ऑफ 10x क्योंकि माइनस बाहर आ जाता है इसे, और ये होगा साइन सी माइनस साइन डी, और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा 2 cos C + D/2 मतलब 19x/2 into sin of C - D/2। तो C माइनस D करेंगे तो माइनस ऑफ x/2 होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है f(π/2) f(π) f(π/4) ऐसा, तो π/2 रख के चेक करते हैं। तो f(π/2) का वैल्यू कितना आएगा, देखो तो 2 into cos of f(π/2) रखेंगे तो 19π/4 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो माइनस है ये माइनस आगे ले आते हैं और ये होगा साइन ऑफ π/4 कितना होगा। अब देखो कॉस ऑफ 19π/4 का वैल्यू हम फाइंड करते हैं, कॉस ऑफ 19π/4 मतलब कॉस ऑफ 5π - π/4, 5π ऑड पाई है तो चल जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, माइनस कॉस ऑफ π/4 होता है मतलब -1/√2। यहाँ लिख देते हैं वैल्यू -2, इसका वैल्यू -1/√2 और साइन ऑफ पाई फोर का वैल्यू 1/√2। माइनस माइनस प्लस √2 √2 और 2 कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 1। तो एफ ऑफ पाई बाई टू का वैल्यू आ गया 1 जो ए ऑप्शन में है, और सिंगल करेक्ट है तो एक ही ऑप्शन हो सकता है, तो इसलिए ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके।